हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चलाई और राजमा की रेसिपी। और चलाई तो आप जानते ही हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इसमें विटामिन ए होता है, B6 होता है, सी होता है, ई होता है और मैग्नीशियम वगैरह, आयरन, फाइबर, सभी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं, ये है चौलाई। इसके पत्ते इस तरीके से दिखते हैं फ्रेंड्स। ये बंडल के रूप में आती है मार्केट में, तो मार्केट में जब भी आप कभी लेने जाते हो तो इस तरीके से बंडल में मिलती है ये। तो इस तरीके से आप लेके आइए। और इसकी जो पत्तियां हैं फ्रेंड्स, देखने में ऐसी लगती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं साइडों से। तो हमें क्या करना है, इसकी जो साइडों की डंडियां होती हैं फ्रेंड्स, ये मोटी मोटी डंडियां निकाल देनी है। ज़्यादातर ये पत्ते वाली सब्जियां फ्रेंड्स सभी बारिश के टाइम में ही आती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। बारिश में जितने भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, पेट में प्रॉब्लम होती है, उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। तो इस तरीके से घास फूस भी निकल के आ जाती है, इसको भी हम साफ़ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने डंडियाँ और थोड़े से खराब पत्ते भी निकाल दिए हैं। तो आप भी इस तरीके से निकाल दीजिए, क्योंकि ये गलने में दिक्कत करते हैं कढ़ाई में और ये पत्ते भी ख़राब होते हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा छाँटना होता है साफ़ करके। इस तरीके से जो वेस्टेज होता है उसको हम हटा देते हैं। तो इसको तो फ्रेंड्स हम हटा देंगे। आप देख सकते हैं ये क्या निकला है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पत्तों को कट कर लिया है और वॉश भी कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ते किस तरीके से कट करें, थोड़ा सा रफली ही कट किए हैं, बहुत बारीक कट नहीं किया है मैंने। तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं, और अगर आप बारीक कट करना चाहते हैं तो बारीक भी पत्तों को कट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, वॉश होकर इसको हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे। तो हम कढ़ाई में फ्रेंड्स यहाँ पर लेंगे लगभग 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप सभी को पता है मेरे खाने में लगभग 3 टेबल स्पून सरसों का तेल यूज़ होता है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादातर उतनी ही होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तेल गर्म हो जाने के बाद हमने 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमने जीरा ऐड कर दिया है फ्रेंड, जीरा भुनकर रेडी हो रहा है। उसके बाद थोड़े से हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम ऐड करेंगे यहाँ पर हींग। तो यहाँ पर 1/3 टेबल स्पून हमने हींग ली है। हींग का फ्लेवर इस तरीके से पत्ते वाली सब्जियों में बहुत ही अच्छा आता है, इसमें हींग का फ्लेवर अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून लगभग हमने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इसको हम फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी के साथ में मिक्स करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप पानी डाल देते हो इससे आपके मसाले जलते नहीं हैं, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है मसालों को भूनने के लिए। तो इसको हमने मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे चौलाई के पत्ते। तो ये चौलाई के पत्ते हैं फ्रेंड्स, इनको हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे सारे, क्योंकि पत्ते जो होते हैं ना कढ़ाई में एक साथ ऊपर को आ जाते हैं, फिर उसमें नमक वगैरह मिक्स नहीं हो पाता, मसाले मिक्स नहीं हो पाते, वो कढ़ाई से बाहर गिरने लगते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्स करके हम ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़े से ही पत्ते हमने पहले लिए थे, थोड़े पत्ते और हम अभी ले रहे हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स 1/2 टेबल स्पून लिया है। नमक बहुत ज़्यादा प्लीज़ ना ले हरे पत्तों में, जैसे कि मैं अपनी सभी वीडियोस में बताती हूँ, हरे पत्तीदार सब्जियों में थोड़ा सा ही नमक पहले आप ऐड करिए, टेस्ट करके और ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये पत्ते थोड़े से खारी होते हैं। चौलाई के पत्ते तो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं खारी, इसलिए मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर लिया है। बाकी आप प्लीज़ नमक का ध्यान रखिए। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं, और जो पत्ते हैं उसको भी हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से सभी चौलाई के पत्ते हमने कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं। इसको हम फ्रेंड्स थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हाई फ्लेम पर ही हम पकाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको फ्रेंड्स ढक देते हैं लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। इसको हमने एक प्लेट से कवर कर दिया है। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे फ्रेंड्स हाई फ्लेम पर ही। तो अब 5 से 6 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, हम अब चेक करते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी भी जल गया है और पत्ते भी रेडी हो गए हैं, बढ़िया तरीके से गलकर रेडी हो गए हैं ये। तो चौलाई की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, चौलाई का साग आपने बहुत खाया होगा, बट राजमा के साथ अगर आपने नहीं खाया है तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौलाई बिल्कुल गलकर रेडी हो गई है, डंडियाँ भी जो थी बारीक वाली वो भी गलकर रेडी हो गई हैं। तो इसी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा करछी से दबाकर, जिससे कि आपस में बिल्कुल ही चिपक जाए, बढ़िया से मैश हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा करछी से दबा दबा के आप करोगे तो ये थोड़ा अलग अलग पत्ते नहीं रहेंगे, आपस में थोड़ा सा मैश हो जाएंगे। तो हमने इस तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। चौलाई हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है भुनकर। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स राजमा ऐड करेंगे, 2 कप राजमा ऐड करेंगे। हमने बॉईल करके इसको पहले ही रख लिया था,
तो यहाँ पे हमने 2 कप राजमा ऐड कर दिए हैं, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से राजमा मिक्स कर लेंगे। और राजमा मिक्स करने के बाद फ्रेंड, जो राजमा बॉईल करने के बाद जो पानी बचता है उसको हम ऐड करेंगे, वेस्ट नहीं जाने देंगे उस पानी को। तो यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे 1 कप। यहाँ पर हमने राजमा का पानी भी ऐड कर दिया है, इसको भी मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पे 1/2 कप ऐड करेंगे घर की निकली हुई फ्रेश मलाई, उसको हम फैट कर बढ़िया क्रीमी करके उसके बाद राजमा और चलाई में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 कप हमने फ्रेश मलाई ली है, फ्रेश क्रीम ली है घर की। घर की फ्रेश क्रीम का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, आप मार्केट से लेके आएंगे इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है धीमी धीमी। अगर आप घर पर दूध से निकली हुई फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप वो कीजिए, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम अभी हमने मीडियम कर दी है यहाँ पर, तो मीडियम फ्लेम पर इसको मिक्स करना है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे नमक और ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तो लगभग 1/3 टेबल स्पून हमने नमक ऐड किया है, क्योंकि राजमा ऐड करा है या पानी ऐड करा है उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे नमक हल्का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नमक अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए। आप चाहे तो यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं ये मिक्स कर लिया है हमने, लगभग ये रेडी हो गया है। बस इसमें एक हमें ट्विस्ट लाना है, उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना है तड़का। तड़के में हींग, जीरा और लाल मिर्च का हमें तड़का लगाना है यहाँ पर। तो हमने देसी घी में हींग, जीरा और लाल मिर्च फ्रेंड्स भून ली थी, उसके बाद ऊपर से तड़का लगाया है। हालांकि मसाले बढ़िया तरीके से मिले हुए हैं, लेकिन अगर आप ऊपर से तड़का लगाते हैं तो बहुत बढ़िया बनके रेडी होता है। तो ये तो बिल्कुल रेडी हो गया है, गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। चौलाई और राजमा की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, सर्विंग बाउल में आ चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसी लगी है। तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं चौलाई और राजमा की रेसिपी। इसमें थोड़ा सा घर की निकली हुई फ्रेश मलाई से आप इसको गार्निश कर सकते हैं, ऊपर से सजा सकते हैं। तो इसी तरीके से बनाइए, ट्राई कीजिए आप भी, आपको भी बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कीर्ति गोयल रसोई चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियोज की सभी नोटिफिकेशन बराबर आती रहे। और फ्रेंड्स प्लीज वीडियोस को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बीच बीच में जो ट्विस्ट आते हैं मसालों के, अगर हम कोई चीज ऐड करते हैं आपको नहीं पता चलेगी, तो प्लीज वीडियोस को पूरा देखिएगा।